मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर ने आज कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला है। बीजेपी विधायक ने कहा कि विपक्ष के नेता केवल अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं और उनका काम केवल सीएम पर छींटाकशी तक ही सीमित है। जवाहर ठाकुर ने बल्ल में बनने वाले एयरपोर्ट पर भी बात की। सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी विधायक ने। एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो वो बल्ल में बनाया जा रहा है और वो कहते हैं कि चार साल हो गए, चार साल में एयरपोर्ट ही नहीं बन पाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांव में बच्चों की पिच नहीं बन रही है कि जहाँ पे जाकर बच्चे तीन डंडे खड़ा करके पिच खेल कर उसमें इंजॉय ले लें। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें समय लगेगा, जिसके लिए भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि ऐसी सोच उन्होंने की है। वो ऐसी सोच बहुत बहुत सारी ऐसी सोचें हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कौल सिंह जी, आपकी क्या सोच, आप बताइए मंडी में आपने कौन सा ऐसा ऐतिहासिक काम किया। मंडी की बात कर रहा हूँ मैं, मंडी की बात है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के काम किए हैं उसमें आपकी जिम्मेवारी थी, जो किए हैं उसको हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जो अधूरे छूटे हैं उनको पूरा हम कर रहे हैं। 99% आपकी जो योजना है उनको पूरा हम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक बस यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस नेता कौल सिंह का भी घेराव किया और उन्हें चुनौती भी दे डाली है। चार साल का जो कार्यकाल रहा है कौल सिंह जी का, उन्होंने सिर्फ जयराम पे छींटाकशी का किया और कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने कहा कि वो अध्यक्ष कब बने। और मैं आज कहना चाहता हूँ उनको कि वो यदि इतने वरिष्ठ हैं, सक्षम हैं, तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें, पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट करें। मैं इतना कहना चाहता हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कौल सिंह जी, वो 23 लोगों की लिस्ट में 14वें नंबर पे आप भी है, जो आपका जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उनके सामने आपकी क्या पोजीशन है, मैं कहना चाहता। और ये बात में मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2022 का चुनाव भी हम, यदि पार्टी ने मुझको एक बार फिर मौका दिया तो हम चाहते हैं कि आपके साथ हम दोबारा एक बार चुनाव लड़ना या लड़कर जीतना या हारना चाहते हैं, ताकि हमारा भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे मान सम्मान बढ़े।